Our next question is, a Carnot engine's efficiency is 1/6. If temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius, then efficiency is made 2 times of initial. Then find out temperature of source and sink. इनिशियल क्या गिवन है? इनिशियल हमें गिवन है इंजन की एफिशिएंसी 1/6. सो देखिए, ईटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1 होता है और इसका वैल्यू हमें गिवन है 1/6. सो देखिए, T2/T1 इज इक्वल्स टू 1 - 1/6. इट मीन्स 5/6. ये T2/T1 का वैल्यू हमने निकाल दिया. अब क्या कहा गया है? सिंक का टेम्परेचर अगर 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है. यानी न्यू जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होगी? 2 eta वैन कब? वैन सिंक टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस. देन क्या होगा? देखिए, देन एफिशिएंसी ईटा डैश हो जाती है और वो 2 eta हो जाती है. यानी 2 × 1/6. इनिशियल 1/6 थी इसलिए तो 1/3 हमारे पास नई एफिशिएंसी हो जाती है. यानी 1/3 किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए 1 - अब सिंक का टेम्परेचर T2 ना लेकर क्या लेंगे? T2 - 62 डिवाइडेड बाय T1. सो देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके जब हम इसे लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/3 इक्वल्स टू 1 - देखिए T2/T1 प्लस 62/T1 क्या आ जाएगा? सो T2/T1 का वैल्यू कितना है? 5/6. यहाँ पुट करेंगे 1/3 इक्वल्स टू 1 - 5/6 प्लस 62/T1. तो 62/T1 यहाँ से कितना होगा? देखो 1/3 इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा? 1/6. सब्सट्रैक्ट करेंगे 1/3 - 1/6 तो 1/6 बच जाएगा. सो यहाँ से T1 कितना आएगा हमारे पास? 62 × 6. इट मीन्स 372 केल्विन. सो 372 केल्विन आ गया. तो T2/T1 इक्वल्स टू 5/6 है. इससे सॉल्व करने पर हमारे पास T2 कितना आएगा? 5/6 × 372. इट मीन्स 310 केल्विन. तो T1 हो गया कितना? 372 केल्विन और T2 हो गया 310